सुप्रभात बच्चों, आज एक बार पुनः हम आपसे रूबरू हो रहे हैं संस्कृत का आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर लेकर के। तीसरा चैप्टर हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था और उसमें अभ्यास कार्य भी शुरू कर दिया था। दूसरे का क प्रश्न, जिसमें वर्ण संयोजन, वर्ण ये मैं आपको बता रहा था और कुछ बताया था, उसके आगे हम आज से शुरू करेंगे। पेज नंबर 19 का जो अभ्यास कार्य था उसको बता दिया था, आज से हम लोग पेज नंबर 20 का जो अभ्यास कार्य है इसमें दो शब्द रह गया था वर्ण संयोजन का, इसको हम पूरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोजन हमने आपको बताया था कि अगर आपको क लिखना है तो क और अ ये मिलाकर के क बनता है, ये वर्ण संयोजन है। आधा क और उसमें अनुस्वार, इसमें स्वर अ मिलता है तब ये पूरा क बनता है। इसी तरह से वर्ण अलग अलग विच्छेदित किए गए हैं, इनको इकट्ठा करके हमें एक नया शब्द बनाना है। तो आगे कब इसमें आ रहा है, आधा प ओ की मात्रा है, स आधा, फिर प, फिर आधा क, फिर आ की मात्रा है, फिर ड और फिर ए। प्यारे बच्चों, उस दिन भी हमने बताया था इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि प में ओ की मात्रा लगी है, इसको हम लिखते हैं पो। ओ की मात्रा है तो इसमें क्या लिखते हैं, ओ। अब इन दोनों शब्दों को देखते हैं, स ये पूरा स हो जाएगा क्योंकि आधा स है और पूरा अ है, ये स्वर पूरा अ लिखा हुआ है तो ये पूरा स बन गया। आगे क्या है, का, आधा का और का ये बन गया का, और ड़ा में छोटी की मात्रा। अब ये हमारा नया शब्द बन गया ओ श का री, ये हमारा बन गया कोश का, ये हमारा नया शब्द बन गया कोशकांड। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम वर्णों को किस तरह से मिलाते हैं, उसमें देखते हैं कि मात्रा किसकी लगी हुई है, कैसी लगी हुई है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये को कैसे बना, आधा प और को की मात्रा है, ये को हो गया श और ये स्वर अ मिला हुआ है, पूरा स बन गया। आधा का और आ ये का बन गया, और ड में ई की मात्रा है तो ये ऋण हो गया कोशकांड। इसी तरह से अगला देखते हैं, आधा कर और इसके बाद आधा कर और तो आधा कर के बाद और अब आप ये कह सकते हैं कि आखिर मर में कोई स्वर क्यों नहीं है, इसलिए कि इसमें हलंत है। हलंत इसीलिए है कि इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, म पूरा म नहीं पढ़ रहे। जब पूरा म पढ़ेंगे तब ये म आधा म और अ होगा, ये म आधा म है इसलिए हलंत लगा हुआ है। अब इसको देखिए कैसे मिलाते हैं, आधा क और अ ये हो गया क, इसके बाद ये हो गया पूरा अंगन, फिर ये मिला देते हैं कि ये
ये हो जाता है द, फिर इन दोनों को मिलाते हैं तो द हो जाएगा, ये हलंत नहीं रहेगा और ये आधा म। अब इसको मिला देते हैं तो आप कम खत्म क्या बन गया, कम खत्म, कंकतम, कंकतम का अर्थ तो होता है कंधा, कंकतम का क्या अर्थ है कंधा। फिर से देखिए आधा का और क मिल गया तो ग बन गया, ये अंगा है आधा है अनुस्वार है ये, फिर यहाँ आधा का और क मिल गया तो ग बन गया, आधा का और क मिल करके द हो गया और म और साथ ही आधा म है, ये हो गया कंकतम। ये क्या है अंग, अंग कंकतम, कंकतम। तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे के खे ख वाले पार्ट में जाते हैं। दूसरे के ख में अब इसी का ठीक उल्टा हम वर्ण विच्छेद करते हैं, इसी को उल्टा क्या करते हैं वर्ण विच्छेद। अब यहां हम दूसरे का क है वर्ण विच्छेदम, इसको हम ध्यान से समझते हैं। अब यहां हम उदाहरण का ठीक उल्टा करते हैं, जैसे क हमें लिखना है इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, कौन कौन से स्वर मिले हैं, कौन व्यंजन मिला हुआ है, तो ये आधा क है इसमें और स्वर क्या है अ। अभी तक हम वर्ण विच्छेद में कर रहे थे कि ये वर्ण अलग अलग थे, इनको मिलाकर के एक नया पद बना रहे थे। अब नया पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, अब इस शब्द में कौन कौन से वर्ण हैं इनको अलग करना है, ये है वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण भी ध्यान से देखिए, व्यजनम, व्यजनम। अब व्यजनम को हम अलग अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले आधा व है, आधा व लिखने के लिए हम व लिखते हैं उसमें हलंत लगा देते हैं, फिर पूरा यह है तो पूरा अगर वर्ण है तो निश्चित रूप से उसमें स्वर मिला हुआ है। अब व्य क्या हो गया, व्य, ज, ज पूरा है तो आधा ज और अ, ज, फिर न, न भी पूरा है तो आधा न और अ, न और आधा म। नपुंसक लिंग शब्दों में अंत का जो वर्ण होता है आधा म होता है, ये हो गया व्यजनम, क्या बन गया व्यजनम। इसी तरह से देखिए पुस्तकम, आप पुस्तकम कैसे लिखेंगे, प और इसमें मात्रा का है कि है छोटा ओ की, तो छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, फिर है आधा स तो पूरा स लिख के हलंत लगा देंगे तो आधा स हो जाएगा। उस त, त पूरा है त और इसमें त में स्वर मिला हुआ है अ, ये पूरा हो गया त, पूरा क है तो आधा क प्लस अ क, और इसके बाद फिर आधा म, ये क्या हो गया पुस्तकम। ध्यान से देखिए आधा प ऊ की मात्रा है, ऊ हो गया, आधा स हो गया, त पूरा है तो जब पूरा शब्द है पूरा वर्ण रहेगा तो वो उसको आधा हलंत करते हैं, हलंत लगाते हैं और उसमें स्वर मिला देते हैं, फिर ये हो गया त, ये हो गया क और ये हो गया आधा पुस्तकम। इसी तरह से अगला शब्द है भित्तिकम, भित्तिकम क्या शब्द है,
हेप्टिकल। अब इसमें भ पूरा है तो आप भ लिखते हैं आधा, आधा भ लिखा हमने और इसमें हमने मात्रा काहे पे लगा दी, छोटी मात्रा है तो छोटी मात्रा हमने लगा दिया। इसके बाद है ती, अब आधा त है फिर पूरा त है, पूरा त लिखने के लिए यहाँ पर ई की मात्रा है, काय की मात्रा है भित्ति। अब यहाँ पर आधा क और अ, चूंकि पूरा क है तो आधा क अंत रहेगा क में और अ और फिर अंत में म, ये हो गया भित्तिकम। भित्तिकम अब आगे हम अगला शब्द पढ़ते हैं, अगला शब्द करते हैं नूतनानि, क्या है नूतनानि, नूतनानि अर्थात यहां पर न हलंत रहेगा, बढ़ाव की मात्रा है, बढ़ाव लिख देते हैं है, के साथ के साथ लगा देते हैं, फिर न आधा न इसमें आ की मात्रा है ना, और फिर न अलं और इसमें छोटी की मात्रा, ये क्या हो गया नूतनान, ये क्या हो गया नूतनान, नूतनानि, नूतनानि। इसी तरह से अगला है वातायनम, अगला है वातायनम, वातायनम, वातायनम। प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, व व है और व में मात्रा कह के लगी हुई है आ की, तो यहाँ हम लिखते हैं आ की मात्रा, इसमें स्वर मिला है आ, स्वर क्या मिला हुआ है आ। इसके बाद त है, त में आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें स्वर मिला हुआ है आ, वा ता, यह पूरा है तो आधा यह और स्वर अ मिला हुआ है, और इसके बाद न पूरा है तो न अलंत और प और अंत में आधा म, अलंत म, ये हो गया वा ता य न म। फिर से देखिए व अलंत है, आ इसमें स्वर मिला हुआ है, ये दोनों मिला करके वा हो गया, आधा त और आ ये मिलकर के हो गया ता, यह पूरा है आधा यह और अ स्वर मिला हुआ है, यह तो क्या है ये बन गया यह और यह न और अंत में आधा में वातायनम। वर्ण विच्छेद हम इस तरह से करते हैं, एक पद दिया हुआ है, इसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन में है क्या है, मात्रा कौन सी है, ये अलग अलग हम कर देते हैं, इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। और अगला शब्द है, अगला पद है उपनेत्रम, उपनेत्रम। अब उपनेत्रम कैसे बनता है, यहां है उ, अब इसमें हम न कोई मात्रा है न कुछ है,
इसको हम पूरा लिखते हैं पर, आधा पर और ऊपर, फिर न आधा और न में एक मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया ए, न में एक मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया ने, उपने त्रम, आधा त, आधा र, त्रम, त्र और फिर आधा, उपने त्रम, त्र, आधा त और र, इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है अनेक शब्दों को लेकर के, उनको अलग अलग वर्ण विच्छेद करें, वर्ण संयोजन उनको अलग मिलाएं। अब देखिए तीसरे में क्या है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके उनका संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे पहला है फल, तो ये हम क मान लेते हैं, तो ये है सभी बच्चे पहचानते हैं कौन सा फल है, आम का फल है। आम को आप चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके अब मान लीजिए कि आम बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और तो यहां चित्र बनाकर लिखेंगे आमरंग, क्या लिखेंगे आमरंग, इसी आम को क्या बोलते हैं आमरंग। इसी तरह से दूसरा चित्र बनाएंगे और दूसरा चित्र है पत्ते का, तो पत्ते का चित्र है तो पत्ते को कहते हैं पर्णम, क्या बोलते हैं पर्णम या पत्रम। फिर है अगला चित्र, इसको आप बना के तब उसका नाम लिखेंगे व्यजनम, व्यजनम पंखा, पंखा को बोलते हैं व्यजनम, व्यजनम क्या बोलते हैं व्यजनम। इसके बाद यहां पर है रुमाल है, रुमाल को बोलते हैं कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम। इसी तरह से अगला चित्र है, इसको बोलते हैं सूत्रम, जो धागा होता है उसको बोलते हैं सूत्रम। और अंतिम है एक छतरी बनी हुई है, उसको आप लिखते हैं छत्रम, क्या लिखते हैं छत्रम। तो चित्र बना करके आपको करना है। फिर से देखिए, आम को बोलते हैं आमरम, पत्ते को बोलते हैं पर्णम, पंखे को बोलते हैं व्यजनम, रुमाल को बोलते हैं जिसको आप जेब में रखते हैं कि जिसको बोलते हैं कर वस्त्रम, और धागे को बोलते हैं सूत्रम, और छतरी को बोलते हैं छत्रम। आप इस तरह से इसे आप कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4, चार में चित्र देख करके लिखा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देख करके आपको उत्तर लिखना है। एक पहला चित्र आप देख रहे हैं, चित्र आम के, आम का पेड़ है और उसमें से आम गिर रहा है, तो प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न आप लिखेंगे जैसे का, हमने इसको मान लिया किम पतत, क्या लिखा हुआ है किम पतत,
इसका भी चित्र आप यहाँ पर बना रहे हैं। किम पतत, पतत मतलब गिरना, क्या गिर रहा है या क्या गिरता है। उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ उत्तरम क्या हो जाएगा, फलम पतत। किम मतलब क्या और पतत मतलब गिरता है या गिर रहा है, क्या गिर रहा है, क्या गिर रहा है। आप लिखेंगे फलम पतत, फल गिर रहा है, क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है। इसी तरह से हमें दूसरा चित्र बनाएंगे, मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं। आप चित्र में देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, दो मोर दिखाई दे रहे हैं और वो पूरा अपना पंखा फैला करके वो नाच रहे हैं। क्या हो गया, चूंकि दो मयूर हैं इसलिए द्विवचन में आया है, मयूर है मयूरव, मयूरा, दो से ज्यादा होते तो मयूरा, मयूरव, मयूरव मतलब दो मोर। किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, दो मोर क्या कर रहे हैं। तो आप यहां प्रश्न लिखेंगे, मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं। उत्तर आपका हो जाएगा, मयूरव नाच रहे हैं, दो मोर नाच रहे हैं। तो लिखेंगे यतः, दो वचन में है इसलिए दो वचन की विभक्ति लगेगी। नृत्यति एक वचन में है, अगर एक मोर होता तो मयूरह नृत्यति, क्या लिखते, मयूरह नृत्यति, लेकिन दो मोर हैं तो क्या लिखेंगे, मयूरव नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। प्रश्न है दो मोर क्या कर रहे हैं, उत्तर हमारा हो गया दो मोर नाच रहे हैं, मयूरव नृत्यतः। आगे है एते के अस्तः, एते के अस्तः, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। एष मतलब एक, यह और एष, एतौ, एते, यहां दो ही हैं तो ये नपुंसक लिंग में आएगा, एतत एते, एतत एते एता, एक वचन में एतत मतलब यह, द्विवचन में एते ये दोनों, और बहुवचन में एता, यहाँ दो की बात कही जा रही है इसलिए एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं, ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडन का मतलब खिलौना, दो है क्रीडन के, जैसे फलम फले फलान, क्रीडन कम क्रीडन के क्रीडकान, ये हो गए एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों फल हैं। आगे है चौथा, देखें बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका किम कुर्वन्ति, सब का चित्र बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में भी और उत्तर देने में। ये देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं, चित्र देखकर के उत्तर बताना है। तो लड़कियों के हाथ में क्या है, पुस्तक, वो पुस्तक पढ़ रही हैं। आपका उत्तर हो जाएगा, बालिकाः पुस्तकम् व्याप्ति पुस्तकम् पठन, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, बालिकाः पुस्तकम् पठन्ति। आगे है कान
रानी विल्सन। प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुवचन में भी आप लिख सकते हैं बालिका पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकान पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यहाँ तीन पुस्तकें हैं ये आप लिख सकते हैं पुस्तकानि। कानि विकसन्ति, विकसन्ति मतलब विकसित मतलब खेल रहा है, विकसन्ति मतलब खेल रहे हैं। कानि विकसन्ति किम के कान बहुवचन में, क्या खेल रहे हैं, तो चित्र देखकर के आपको लग रहा है कि फूल खेल रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, क्या हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। प्रश्नोत्तर एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न जैसे लिखा हुआ है ठीक आपको आपको उसका जवाब देना है, सही जवाब देना है। पहला है चित्र देख करके जवाब बताएंगे किम पतति, पहला चित्र देखते हैं तो उसमें दिख रहा है कि फलम पतति, पत्ता नहीं गिर रहा है फल गिर रहा है, फलम पतति फल गिर रहा है। दूसरा है मयूरो किम कुरुत, दो मोर क्या कर रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा मयूरो नृत्यत, दो मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः ये दोनों क्या हैं, एते क्रीडन के स्तः ये दोनों खिलौने हैं। आगे है अगला प्रश्न, बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति क्या खेल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति फूल खिल रहे हैं। इसलिए इसको आप चित्र बना करके जो लोग बना सकते हैं बना लें, अन्यथा फोटो कॉपी करके आप लगा लेंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी है। प्यारे बच्चों दो प्रश्न और है, आप इसको हम यहीं पर दोनों प्रश्न कंप्लीट करते हैं, आप इसको आसानी से नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है निर्देशानुसार वाक्यानि रचयेत, आप हेडिंग डाल देंगे निर्देशानुसार वाक्यानि, निर्देशानुसार वाक्यानि। अब यहां पर है एक उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण अच्छे समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यथा, यथा मतलब उदाहरण, जैसे लिखा हुआ है पहला वाक्य है एतत् पतति, एतत् पतति। अब इसको निर्देश क्या दिया गया है कि इसको बहुवचन में आपको बदलना है, इसको किसमें बदलना है बहुवचने, यहाँ बीच में लिख लेंगे बहुवचन में, बहुवचन में ये वचन में वाक्य है इसको बहुवचन बदलना है। यहाँ लिखा एतत् पतति, यह गिरता है, क्या हो जाएगा यह गिरता है। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा ये सब गिरते हैं, बहुवचन में क्या हो जाएगा ये सब गिरते हैं, तो ये सब के लिए एतत् एते एतानि, तो वाक्य क्या हो जाएगा एतानि, एतत् की जगह क्या हो जाएगा बहुवचन में, एतत् की जगह बहुवचन में क्या हो जाएगा एतानि, एतत् एते एतानि, एतानि पतन्ति, एतानि पतन्ति, पतति एकवचन में है पतति पततः पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं एतानि पतन्ति। आगे है एते पर्णे स्तः, एते पर्णे स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। अब इसको भी बहुवचन बदलना है, इसको बहुवचन में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं, ये दोनों पत्ते हैं, तो
एतत एते एतान यहां भी हो जाएगा एतानि, ये सब पत्ते हैं एतानि, और पर्णे क्या हो जाएगा पर्णम पर्णे पर्णानि, तो ये हो जाएगा एतानि पर्णानि संति, एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं, बहुवचन में क्या बन गया एतानि पर्णानि संति। आगे है दूसरा है ख, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, एक मोर है नाचता है, मयूरः नृत्यति। अब इसको किसमें बदलना है बहुवचन, इसको भी बहुवचन बदलना है तो क्या हो जाएगा कई मोर नाचते हैं, कई मोर नाचते हैं क्या हो जाएगा मयूरा, मयूरः के क्या बहुवचन हो जाएगा मयूरः मयूरौ मयूराः, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, तो मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति क्या हो जाएगा नृत्यन्ति बहुवचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा नृत्यन्ति, नृत्यत मतलब नाचता है और नृत्यत मतलब नाच रहे हैं, कई मोर नाच रहे हैं। तीसरा है एतानि यानानि, एतानि यानानि, ये सब ये बहुवचन है, ये सब यान है, ये सब यान है। अब इसको द्विवचन में बदलना है, दो वचन में तो क्या हो जाएगा एतानि का क्या हो जाएगा एतत एते, एते यानानि का याने, एतत याने इस्तह, एतत याने इस्तह, ये दोनों यान हैं। आगे है छात्रा, छात्रे लिखतः, छात्रे लिखतः, छात्र लिख रहे हैं, दो छात्र लिख रहे हैं, दो छात्र लिख रहे हैं। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा इसको भी बहुवचन बदलना है, तो बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं, सभी छात्र लिख रहे हैं, तो छात्रे छात्रा छात्रे है, छात्रा छात्रे छात्रा, तो छात्रा लिखन, जैसे बालिका बालिके बालिका, छात्रा छात्रे छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, छात्रा छात्रे छात्रा, दो छात्राएं लिख रही हैं, तो यहाँ पर होगा बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं तो छात्रा लिखन्ति। और अंत में है नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति, तो ये क्या हो जाएगा दो नारियल गिर रहा है, दो नारियल गिर रहा है, इसको द्विवचन में बदलना है नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, यहाँ पर एक है नारियल, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल, नारियल गिर रहा है। अब दो वचन बदलने के लिए क्या करेंगे कैसे लिखेंगे द्विवचन में नारिकेलम नारिकेले नारिकेले पततः, नारिकेले पततः, दो नारियल गिर रहे हैं, दो नारियल गिर रहे हैं, समझ में आ गया। आप बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको खूब अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर से देख लीजिए उदाहरण दिया हुआ है एतत पतति, यह गिरता है, इसको बहुवचन में एतत के क्या हो जाएगा एतानि, एतत एते एतानि, एतानि पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं, पतत का क्या हो जाएगा बहुवचन में पतन्ति। इसी तरह से सारे शब्दों को जब आप देखते हैं तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ एते पर्णे स्तः, एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं,
क्या हो जाएगा, एतानि वर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं, बहुवचन क्या हो जाएगा, ये सब पत्ते हैं। इसी तरह से मयूरः नृत्यति, एक मोर नाच रहा है, बहुवचन को जब बदलेंगे तो मयूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। इसी तरह से एतानि यानानि, ये सब यान हैं, इसको द्विवचन बदलेंगे तो एते याने स्तः, एते याने स्तः, या सिर्फ एते याने लिखेंगे तब भी सही है, एते याने स्तः लिखने की आवश्यकता नहीं है, एते याने, ये सब यान हैं। आगे है छात्रे लिखतः, दो छात्राएं, दो छात्राएं लिख रही हैं, बहुवचन में क्या हो जाएगा, छात्रात् लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं, बहुत सारी छात्राएं, छात्राः लिखन्ति। इसी तरह से नारिकेलं पतति, नारी एक नारियल गिर रहा है, उसको द्विवचन लिखेंगे नारिकेले पततः, दो नारियल गिर रहे हैं। अब इस अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। छह में क्या है, उचित पदार्थ संशोधित वाक्यानि रचयत, आप यहां लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे सार्थक वाक्यानि, हेडिंग क्या डाल देंगे, सार्थक वाक्यानि, हमारा सार्थक सीधा सरल वाक्य। अब यहां पर कब, अब यहां क्या है, कोकिले, अब कोकिले से आपको मिलाना है, कोकिले, अब दूसरे बॉक्स में देखते हैं क्रिया जो की गई है उसमें अंतिम आता है पूजतः, दो वचन है, ये हो जाएगा पूजतः, कोकिले पूजतः, दो कोकिले बोल रही हैं, उक रही हैं। आगे है पवनः, पवनः, पवन मतलब हवा, हवा क्या कर रही है, बह रही, हवा का काम है बहना, तो यहां लिखेंगे बहर, क्या लिखेंगे, बहर। आगे है पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल, फूल क्या हो रहा है, खिल रहा है, तो विकसित, विकसित माने खिलना, फूल खिल रहा है पुष्पम विकसित। आगे है खगः, खगः उत्पतक, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। आगे है मयूरा, मयूरा मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति। और अंतिम में है सिंहा, सिंहा शेर क्या करता है, गर्जना करता है, सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। इस तरह से प्यारे बच्चों ये पाठ आपका आज समाप्त हो रहा है, एक बार ध्यान से देख लेंगे छठा प्रश्न फिर से, और कॉपी में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कौन सा प्रश्न क्लास वर्क में करना है और कौन सा प्रश्न गृह कार्य में करना है। तो आपको देखिए गृह कार्य के अंतर्गत आप देखिए
दूसरे का क और ख, ख वाले में इसी तरह से फोटो कॉपी करके या चित्र बना करके आप संस्कृत में नाम लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन, दूसरा तीसरा और चौथा, ये चित्र बना करके आपको करना है या फोटोकॉपी करके चित्र बना करके इसको आपको करना है। बाकी सारे प्रश्न आपका क्लासवर्क में, बाकी सभी प्रश्न क्लासवर्क में। इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। छठा प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कोकिले इसके साथ ऊजतः दो कोयले उड़ रही हैं, पवन वहत हवा चल रही है या बह रही है, पुष्पम विकसत फूल खिल रहा है या फूल खिलता है, खगा उत्पतत पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़ता है, एक वचन है इसलिए पक्षी उड़ता है, मयूराः नृत्यन्ति कई मोर नाच रहे हैं, नृत्यन्ति मतलब नाचना, सिंहाः गर्जन्ति शेर गरज रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और आप कक्षा कार्य का प्रश्न कक्षा कार्य में और गृह कार्य का प्रश्न गृह कार्य में अवश्य कर लेंगे और पाठ को फिर से पढ़ लेंगे, सारे प्रश्नोत्तर को फिर से कर लेंगे, जिससे आपको आसान हो जाए, प्रश्न मिल जाए। धन्यवाद।